प्रशासन की अनदेखी का नतीजा हमेशा ही किसानों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ इस बार छिंदवाड़ा में किसानों के साथ हुआ। प्रशासन की लापरवाही से किसानों का मंडी में रखा मक्का बारिश आने के कारण बह गया और बेचारे किसान कुछ न कर सके, और जो प्रशासन कुछ कर सकता था वो चैन की नींद सोता रहा। छिंदवाड़ा मक्के की पैदावार के लिए भी जाना जाता है, लेकिन किसान मेहनत से पैदा हुई उपज की सुरक्षा के लिए कृषि मंडी में कोई व्यवस्था नहीं होती। अब तेज बरसात में किसान का मक्का बह गया और वो केवल बहता देखता रहा। ये नजारा है छिंदवाड़ा की कुसमेली मंडी का, जहां किसान हितैषी सरकार और प्रशासन है, लेकिन उपज की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि किसान के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। कुसमेली कृषि उपज मंडी, जहां पर किसान सबसे ज्यादा मक्का बेचने आता है, लेकिन किस तरह उसकी मेहनत की फसल पानी में बह गई और वो कुछ नहीं कर सका। अव्यवस्था का शिकार इन मंडियों में फसल को सुरक्षित रखने तक के इंतजाम नहीं है। तेज बरसात में उसका मक्का बहता रहा। मंडी के हाल ये हैं कि किसानों की फसल रखने के शेडों पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। अफसरों की मिलीभगत के कारण हर बार नुकसान किसान का ही होता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।